से फाइनेंशियली खड़ा करना, एक फ्लैट ले लो, ये कर लो, गाड़ी, सारी गाड़ियाँ ले ली, गाड़ी बेच दी, अपनी नई गाड़ी ले ली, अपना नया बिजनेस कर लिया, पैसा कहाँ से आ रहा है भाई? फाइनेंशियल सपोर्ट आ ही रहा है ना कहीं से? करंट टॉकिंग अबाउट काविश, डज इट एवर बॉदर यू कि जब वो बड़ा हो के ये सारी चीजें दिखेगा? हाउ इज दिस द ओनली रीजन व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस? द क्रक्स ऑफ द सिचुएशन इज हिम, हिज फ्यूचर. वो खड़ा होके जब दोबारा देखे, आई हैव इनफ थिंग्स टू शो हिम विच आई कांट शो यू, एंड इज अ स्मार्ट किड. तो जब बड़ा होके मैं उसको सिर्फ ये दे दूंगा, तब तो पता नहीं कौन सी चीज़ आ रही, बोलूँ ये ले बेटा पेन ड्राइव ले ले, आई डोंट से एनीथिंग. See it for yourself. Decide for yourself and think whatever you have to. I did my best. Have you tried cutting to him or getting in touch with How him? How do I? But recently, हमने ये सुना था कि आप उसके birthday पर मिले थे और उस time पे निशा ने कहा था कि हमें उस बारे में बात ही नहीं करनी कि काविश के birthday पे मिला है या नहीं मिला है. जब हमने निशा से पूछने की कोशिश की थी इस बारे में. वो क्या बोल रही है? I don't pay much heed to it. I haven't seen my son for 14 months. 2nd November is the only time when I entered the house, I saw him, he came, he said, aap rehne aaye ho? I had a certain thing I gave to him. And the only two things he said was that I love you and I miss you. 4.5 saal ka bachcha, that's it. And that's the time I decided that अब चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, जो भी लगे, आई विल फाइट दिस. यू हैव टू होल्ड ऑन नाउ, यू विल हैव टू होल्ड ऑन, बिकॉज आई कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट पार्ट फर्स्ट. हाउ डू आई, पहले माँ बाप भाई को निकालूँ, अपने आप को निकालूँ, सिचुएशंस करूँ, 14 साल का मतलब 14 महीने का एविडेंस पे आप लोगों को आके बताऊँ कि मैं काविश को लेके घूम हुआ. Yes, I have. Do you think in this situation, जो चल रहा है, is it a healthy environment for Kavish to be in that situation? But as per law, extramarital affair अगर किसी wife का है, तो ये तो law भी allowed नहीं करता है, right? कि child custody उनके पास अभी फिलहाल हो. Why did you give again? Evidence provided. He is not in an okay space. He is 100 times better off with me right now. जिस situation से हम लोग गुजर रहे हैं. इस तरह का सिचुएशन जैसे वो है, क्या क्या फसाड बनाया गया है, किस तरह से सोशल मीडिया पे उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, चाहे वो लाइनें लिखी जाएँ, चाहे वो सोशल मीडिया पे पेज पे डालो, कुछ भी करो आप, डू यू थिंक इट इज़ गिविंग द राइट पिक्चर? नो. इस सिचुएशन में काविश की, आप काविश की क्या वीडियोज चलती हैं सोशल मीडिया पर? हाउ इज़ ही बींग यूज? अगर आप लोग कभी देख लेना अच्छे से जाके, ही शिटिंग और उसकी एक वीडियो बना के डाली जा रही है. वाई डू यू नीड टू डू दैट? काविश 1 साल का था. आई रिफ्यूज टू गिव एनी इंटरव्यू ऑफ काविश. इफ अगर आप लोगों को याद हो, मैंने 1 साल तक उसको मीडिया में नहीं दिखने दिया. इफ यू गाइस रिमेंबर, यस आई नो, आई हैव केम टू योर हाउस आल्सो, करेक्ट? यस. मेरा, आप देखो क्या प्रोटेक्शन होता है उसके लिए, कि बच्चे पे असर नहीं आना चाहिए किसी चीज़ का. ये ठीक है, हमारी चीज़ है, पहले पढ़ ले, लिख ले, बड़ा हो जाए, करना होगा करेगा. दिस वॉज माई आइडियोलॉजी ऑलवेज, एंड लुक हाउ ही इज बीइंग यूज्ड. करण, आपने बातचीत में कहा कि आपके पास एक ऐसी चीज़ है जिसकी अगर उसको आप ओपन करते हैं तो कोई चीज़ की जरूरत नहीं होगी, तो ये जो जितना शेट है इससे निकलने के लिए आप उसका इस्तेमाल, और वो क्या चीज़ है जितना आप बता सकते? सब कोर्ट में, अभी वो कुछ नहीं बता सकते. सी अगेन, द मैटर इज इन लिटिगेशन, टू टॉक अबाउट एनीथिंग राइट नाउ इज ऑल्सो नॉट ओके. द रीज़न वाई आई हैव डन इट एंड आई हैव सेड, बिकॉज ये सारी चीज़ें कोर्ट में लग चुकी हैं. ये नहीं है कि मेरे पास आज नई चीज़ आई है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लगाने, ये कोर्ट में लग गया पिछले महीने, तभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ आज, तभी आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस गोइंग अराउंड, बिकॉज आई हैव इनफ थिंग्स नाउ, आई हैव इनफ पीपल टेलिंग मी थिंग्स. करंट परसेप्शन की बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि मेन और वुमेन्स इसीलिए आपको ज्यादा ही टारगेट किया जा रहा है, या जजमेंट के हिसाब से देखा जा रहा है आपको, मेन है इस वजह से जजमेंट की बात, तो फिर वही हो जाता है, वो जॉनी डेप वाला हो जाएगा. तो मेरा ये पूछना था कि आपके आसपास एक यूनो की इंडस्ट्री के लोग हैं, तो उनकी तरफ से क्या सपोर्ट मिल रहा है? यूनो की जब उनका सपोर्ट हो, वो आपको समझते हो, तो कहीं ना कहीं इन केसेस को यूनो जीतना या फिर लड़ना काफी आसान हो जाता है, एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है, तो किस तरह का सपोर्ट आपको मिल रहा है? देखिए, आज की तारीख में ऑफकोर्स ये भी मैंने पहले कहा कि धीरे धीरे जब पर्सपेक्टिव चेंज हो रहे हैं, लोगों को सच्चाइयाँ पता चल रही है,
दोनों जब साथ में दिखते हैं, हर जगह दिख रहे हैं, लोगों की पार्टीज में दिख रहे हैं, अलग जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, यार यहीं लोखंडवाला में मेरी पूरी मार्केट मुझे पिछले 20 साल से जानती है, मैं चले जाता हूँ उसी मार्केट में, लोग बोलते हैं कि सर आए थे दोनों साथ में, हाँ वहाँ, एवरीवन टेल्स मी यार, डू यू थिंक इट इज़ अ गुड थिंग आदमियों के लिए? तो जो सी लॉज इन आवर कंट्री आर वेरी फेवरेबल फॉर वुमेन, ये बनाए इसलिए गए थे ताकि सही चीज़ के लिए यूज़ किए जाए, क्योंकि गलत चीज़ें औरतों के साथ बहुत हुई हैं इतने सालों, तो ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए, ना कि इसलिए कि आप मिसयूज़ करके भैया आओ सारी फैमिली को भी ले लो, इसको भी ले लो भाई, इसका ये लो सर भी मार दिया, ये लो भाई अफेयर भी कर रहा है, ये लो ऐसा है, 10 चीज़ें लगाई हैं यार, मतलब आई कैन इवन टेल यू व्हाट ऑल थिंग्स ही इज पुट, साउंड्स सो वियर, घर आया मारा कपड़े फाड़े, ही डिड दैट थिंग। करण अंतिम सवाल, करण एक चीज और, कि जॉनी डेप के केस के पास आपको लगता है भले कानून भारतीय बना हो लेकिन आपके केस में कहीं ना कहीं उस तरीके से फायदा होगा? See, I don't know about that. He kept fighting a case for 6-7 years. मैं वो नहीं कर रहा, मैं एक साल में यहाँ पे खड़ा हूँ 14 महीने में, शायद उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, उनका मुद्दा भी अलग है, हमारा मुद्दा अलग है, एटलीस्ट एम्बर हर्ड ने पूरी फैमिली को तो नहीं खींचा था, ये राहत तो थी कम से कम उसको, यहाँ तो मैं अपनी जिंदगी, अपना करियर, अपनी इज्जत, पेरेंट्स की इज्जत, सब कुछ लेके चल रहा हूँ ना साथ में, लेकिन पूरे वर्ल्ड को सोचने पे मजबूर किया है इस केस ने। एग्जैक्टली, एक परसेप्शन तो चेंज हुई है, एक ये पॉजिटिव चीज़ तो शायद कहीं ना कहीं आसपास हुई है, लोग हमारे यहाँ भी ये समझना चाह रहे हैं कि यार आदमी हर बार गलत नहीं है, शायद ये भी कुछ करे। मैं भी फैमिली कोर्ट जाता हूँ यार, बड़े आदमी वहाँ पे मिल जाते हैं, कहते सर हमारे साथ भी यही हो रहा है, हमारी बीवी ने, हमने कहा कि हम अलग ही हो जाते हैं तो उन्होंने हमारे ऊपर ये सब डाल दिया है, हम तो बस पचे ही हुए, ये सब चीज़ें हो रही हैं, परसेप्शन नीड टू चेंज देयर ऑल्सो। हम और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ बाहर हो रहा है, ये हो रहा है और आदमियों के लिए सच, तो एक बात तो है ना, सच्चाई कहीं होगी तो बाहर तो आएगी, लड़ाई लंबी होती, यही सिखाया गया ना बचपन से हम सबको कि भाई अगर आप सच्चे हो टाइम ज़्यादा लगेगा, सच्चाई आएगी बाहर ज़रूर, और जब सच पता चलता है तो झूठ की हार तो होगी, तो जब मैटर कोर्ट में है, लेट द जजेस डिसाइड, लेट द लॉ डिसाइड। साथ ही करण, ये एलिगेशन से, ये केस से आपके प्रोफेशनल लाइफ को कितना अफेक्ट हुआ? यू नो कि काम नहीं मिलता, लोग ऑफर्स नहीं देते, या ऐसे लोग एक साथ काम नहीं करना चाहते? काम पे भी ऐसा, उस टाइम पे तो मैं शो भी कर रहा था, जो शो दिसंबर में खत्म हो गया है, एंड मैं भी उस स्पेस में नहीं था कि मैं मतलब ऐसे शोज करता, मतलब शोज अदरवाइज, अब तो जाके मैं थोड़ा बहुत अपने आप को, यू नो, पिछले 3-4 महीने से आई हैव गैदर्ड माय सेल्फ अगेन, आई एम ट्राइंग टू लुक आफ्टर माय सेल्फ फॉर अ चेंज। प्रोफेशनली बहुत असर पड़ा है, मतलब आपके लिए बोल दे कोई मीडिया में जाके भाई राम जैसे इमेज है नहीं ऐसा, ये तो उसको मारता था, मतलब इंटरव्यू में पूछा भी आपने देखा नहीं, आपने देखा नहीं है, बट हाँ किसी ने आपसे कह दिया तो आप कह दोगे जाके, ये तो वही बात होगी, हम लोग सब यहाँ पे बैठे हैं, अभी हम इनको पकड़ लेते हैं, भाई साहब को बोलते हैं भाई इन्होंने ना खून कर दिया है, अभी हम लोग सब आ जाते हैं, इनको मारपिटाई कर देंगे, ये मर जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे अब सच्चाई आ जाती है, अरे भाई ये तो निर्दोष थे, बोले अरे यार सॉरी यार हमारे हाथ से मर गए यार, डज इट जस्टिफाई व्हाट यू डिड, हाउ इट जस्टिफाइज यार, यू आर ऑल टू ब्लेम देम, तो इस मामले में जिस जिसने गलत बोला है दे आर टू ब्लेम ना, जिस तरह अगर रोहित साटिया, निशा रावल, लक्ष्मी रावल और कंस्पायर्ड, तो रोहित वर्मा एंड मनीषा कटवानी ऑल्सो डिड द सेम थिंग, एंड मनीषा कटवानी ने भी बहुत कुछ बोला है, आप इंटरव्यू निकाल के देख लो, इंटरव्यू में पूछा भी था आपने कुछ देखा है नहीं, एंड शी नोज मी ऑल्सो, 11 साल से मेरे को भी जानती है, सबसे पहले मैं आऊँगा मेरे साथ फोटो खिंचाने में सबसे पहले वही भागती थी, आप किस बिना पे बोल रहे हो यार, आपने मेरे से बात की, आपने मेरी साइड ऑफ द स्टोरी सुनी, आपका मेरे साथ कोई एक्सचेंज हुआ मैसेज नहीं, आप लोग छोटे बच्चे तो नहीं है, सारे 40+ हैं यार, मतलब स्मॉल किड्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल, सोसाइटी के इमेज जैसे होती है हमारी, जैसे इंडस्ट्री की भी है, एक डिज़ाइनर है, एक टैरोकार भी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप दोनों को जानते हो, आप समझने की तो कोशिश करो कि आप कुछ भी बोल के कहीं भी निकल जाओगे, और आपने कुछ देखा नहीं, हाउ डज इट जस्टिफाई है, मतलब मैं भी 4 लोगों को खड़ा करके कुछ भी बकवास करूँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, ये तो गलत नहीं है।
सो इन सारी चीज़ों के बावजूद भी उन्होंने ईशा ने रॉक ऑफ एज अ स्टेट चुना जहाँ पे वो अपनी वॉइस रख सके. सर आपके माइंड में कभी कुछ ऐसा आया क्योंकि प्रोफेशनली दोनों एक ही फील्ड से थे तो I was called for lockup before that, but I refused to go. ये मेरा choice था. She chose to do it. She spoke about everything. Worked in my favor. किस समय कोई और show के offer नहीं आ रहे हैं? इस समय किसी और show के offer नहीं कर? इस समय किसी और show के offer हैं आपके पास? देखिए काम की बात करेंगे आज मुद्दा ये लगे करण साथ ही करण दिए गए आपको पॉलिटिशियन का दे दिया कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से है मतलब बीजेपी का है कांग्रेस का है क्योंकि यूपी के रूलिंग पार्टी करण जब आपकी फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग सिंपल सी बात है ही ट्राइड टू गेट एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी इन्वॉल्वड बॉम्बे से भी लखनऊ से भी कौन कहां किस पार्टी का है क्या है आई हैव नो क्लू मुझे वो ज़्यादा भूलना भी नहीं है जहाँ क्लू भी है आई वुड नॉट लाइक टू से कौन सा किस पार्टी को बिलोंग करता है मुझे क्या करना है उससे सिंपल सी बात है बैंकर को धमकी दी गई उनको आया इसको धमकी दी गई इसको तो बैंकर को भी धमकी दी गई मैंने बताया ये तो पहले आपने वो अपने एविडेंस में आपने डाला है सब डाला मैंने बताया ना स्टेटमेंट ऑलरेडी बैंक ऑफिशियल गया है देने के लिए ऑफिशियली टू द आईओ इन गोरेगांव पुलिस स्टेशन कर हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि जैसे लॉकअप शो था या बिग बॉस जैसा शो था वहाँ पर अपनी बात लोग कह पाते आपने 14 महीने से अपनी बात नहीं किया क्या बीते दिनों में आपके पास इन दो शो के ऑफर आए ये पूछ रहे थे ऑफर आए ना आए मैं तो खुद ही बिग बॉस में गया था जरा निकाल के फुटेज देखते पहले अभी की और उसमें भी वो टाइम वो था कि कुछ महीने पहले हम लोग उस सिचुएशन से निकले थे आफ्टर आई केम टू नो अबाउट हर इनफिडेलिटी एंड दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग इन बिग बॉस उसकी एक फोटो फाड़ दी गई थी उस फोटो को भी मैंने